दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। वैसे तो मतलब चाइना की दोस्ती के तार राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जोड़े जाते हैं। कई बात आपने नेचुरल मीडिया पर चलती हुई इन बहसों को देख लिया होगा, गोदी मीडिया को नंगा नाचते हुए देख लिया होगा, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं नंगा नहीं नाचूंगा। मैं केवल जो है कमीज और कोटी पहन करके नाचूंगा, क्योंकि एक ऐसा बयान खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बोल रहे हैं कि मेरे जन्मदिन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। चाइना के प्रधानमंत्री ने बताया और उन्होंने मेरी डेट बताई, तब ये जन्मदिन तय हुआ। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वीडियो देखना बनता है। देखिए, हंसना मना, हंसिएगा मन, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे को चीन के जिनपिंग डिसाइड करते हैं और ये इनको जो है भारत दुश्मन देश बोलता है ना, और चीन के राष्ट्रपति से इनकी प्रगाढ़ दोस्ती रही है, ये भी तय हो गया कि अहमदाबाद आए थे, चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने, मेरा भी ध्यान नहीं था। ये सब वीडियो सुनने के बाद है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आज बर्थडे मनाया जा रहा है। बर्थडे पर सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई लड़की भी केक काट रही है उनके मतलब आने पर, लेकिन यहाँ कुछ नौजवान कुछ और ही बात बोल रहे हैं, ये बात सुन लीजिए। जवान शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को पूछा, अब G20 करवाते अपने जन्मदिन मनाते हो, खून बरसा रहे हो, चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। वहाँ किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने पति खोया, और प्रधानमंत्री जी G20 सफल हो गया, खून बरसाओ। अरे 2024 में जूतियां बरसाने वाले नौजवान बोल रहे हैं कि जूते मारे जाएंगे, पेले जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आएंगे तो। लेकिन भैया यहाँ पर जिस तरह से जन्मदिन मनाया गया, लेकिन इस जन्मदिन को थोड़ा सा कड़वा कर दिया है सीमा हैदर की तस्वीरों ने, और उन तस्वीरों ने, जिन तस्वीरों पर और जो उन वीडियोस ने जिन पर सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अपना प्रधानमंत्री मोदी G20 मनाया है, सब कुछ मनाया है, लेकिन जो लोग शहीद हुए उनका क्या? प्रधानमंत्री मोदी केवल एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो पुलवामा में मारे गए जवानों को शहीद जवानों के ऊपर पॉलिटिक्स करके चुनाव जीत सकते हैं, और ऐसी भी पर्सनैलिटी हैं कि चार जवान मारे गए और उस पर कुछ नहीं बोला और कोई हंगामा नहीं, लॉयन सब शांत है, बिल्कुल ठीक है ना। वो पुराना अजीत का डायलॉग याद आ जाता है, मोना डार्लिंग सब ठीक है ना, लॉयन का नाम शहर में इसलिए मशहूर है, शहर में नहीं, मोदी का नाम देश में इसलिए मशहूर है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। जी हाँ, तो इस पर जो है सवाल बहुत उठ जाते हैं, जो व्यक्ति हृदय विहीन होकर के संवेदनहीन होकर के पुलवामा पर वोट मांग सकता है, वो किस तरह से इन शहीदों के बारे में बात करेगा? क्या इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल ना पूछे जाएंगे? ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी दोस्तों, अगर आपको लगा हो कि वाकई में ये रिपोर्ट सच्चाई के आसपास है तो इसको शेयर करना और वायरल करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।